भाई देखो जितनी हरी वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, हरी पॉपकॉर्न वगैरह वाली, ये जस्ट होती है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इससे कोई ऑफेंड वगैरह मत हुआ अगर। इतने ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, मतलब पूरे गोल्डन कलर के अलावा इस विद द रेड लैम्बोर्गिनी। सब्सक्राइब टू YPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। वेल सो वाज गाइस YPM व्लॉग्स बैक हियर, और भाई आ लग रही है अंकल जी को दबा के बुक से लेकर आए अपने लिए पॉपकॉर्न। तो क्या करने वाले उसका भैया? पॉपकॉर्न खाने का दिल कर रहा है, चलते किचन में, वहाँ बनाते कुकर के अंदर। भैया कुकर की क्या जरूरत है, अपने पास तो लैम्बोर्गिनी है। सेम वीडियो मैंने बनाई थी H2 पे, वाली सेम वीडियो बनाई थी मैंने R8 पे, उससे भी पॉपकॉर्न थे वो बन गए थे। लेट्स सी अंकल क्या लगता है, बन जाएंगे? बिल्कुल भाई, मेरे को आप लोग बोलते हो मैं ऐसे ऐसे आइडियाज ना ट्राई करा करूं, बट मेरे मम्मी अंकल होती है चुलकी भाई, लेट्स सी बनते हैं नहीं बनते, इसलिए ये सब वीडियोस मैं बनाता हूं और आप लोगों को पसंद भी आते हैं। तो चलते हैं भाई और देखते हैं पॉपकॉर्न बन पाते हैं नहीं बन पाते अपनी लैम्बोर्गिनी से। लेट्स गो। वेल सो व्हिच गाइस व्हिच व्लॉग्स बैक हियर। मेरे को भी हरे बैलून वगैरह रिमूव करने हैं, बिकॉज अभी देखो गंदे होने लग गए हैं, और ये ना रात को जब मैं निकलता हूँ ना तो फट जाते हैं, जिसकी वजह से पापा है वो आ जाते हैं कि कहाँ जा रहा है। बिकॉज रात को यूजली मैं आता हूँ लेने के लिए रेड बुल या कॉफ़ी पीने जाता हूँ, तो इस चक्कर में मेरे को बैलून हटाने पड़ेंगे आज के आज सारे, और जो टेपिंग है बस मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि जो ऊपर की सीलिंग है वो ना हर साथ में आ जाए, क्योंकि बिकॉज ये डर लगता है। तो स्टार्ट करते हैं इस पर, जो आराम से निकल आएगा। तो ध्यान से डाला, देखो सामान ले आए आप? हाँ भाई ला दिया। क्या क्या है? पॉपकॉर्न है। अंकल जी कह रहे हैं मेरे को थोड़े से गुब्बारे फोड़ने का मन है। वो फटा ही सच में, ऐसे फटेगा? ऐसे भी नहीं फटा, सरकता है क्या? हाँ। तो एक काम करते हैं, ऐसा करके करते हैं, ये फटा ना, फटते ही नहीं है। ऐसे फुटवेगा, देखो हमारे पोड़ देता हूँ। दुख नहीं खत्म होता भाई, ये गाड़ी इतनी लोड़े के निकलते हुए मेरे को गाड़ी ऊंची करनी पड़ती, नहीं तो हमारी रैंप पे लग जाएगी। हाँ भाई, तो अब यहाँ से डाउन भी कर ली, नहीं तो अंकल जी लगेगी ही लगेगी 110%। वो तो लगनी ही लगनी है। लेट्स गो नाउ। तो वी आर हेयर एट द लोकेशन जहाँ पे मनाने वाले हैं गाड़ी से पॉपकॉर्न। तो ये पॉपकॉर्न के दाने अंकल जी डालते हैं एग्जॉस्ट के अंदर और देखते हैं कि बनते नहीं बनते। भैया पहले स्टार्ट करो। स्टार्ट तो मैं करता हूँ अंकल, देखो आप अभी डालते, नहीं तो स्टार्ट करूँगा एकदम से बाहर आएंगे। अच्छा, तो प्रेशर से। तो आप पहले डाल दो, फिर मैं एकदम से करता हूँ स्टार्ट। ओके, फिर आप देखना ये भैया दोनों में डालें। हाँ, क्वाड है ना उस वाले में अंकल, दोनों हूँ। हाँ, इतना डाल दूँ भैया मेरे खाने भर का हो जाए। अंकल जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, ये जो वीडियो इंजन है क्या ये बना सकता है हमारे पॉपकॉर्न? हाँ भाई, तो बहुत आ रहा है। करूँ अंकल जी? हाँ भाई, शुरू करो। अभी नहीं, रेस मत देना अभी। A few moments later. नहीं बना पा रही, थोड़ा गर्म होने दो भैया। अरे अंकल देखो यहीं पे है यार सारे। हाँ, नहीं निकाल पा रही, एक तो निकला है। रेस दो अंकल जी। बस अंकल जी ज्यादा बने नहीं है इसके अंदर यार, सिर्फ एक निकला है मात्र। हाँ, ओ भैया ज्यादा गर्म नहीं हो पाया है ना। अच्छा अंकल एक बात है कि अगर गाड़ी आती है लंबे रूट से हाँ, तो जरूर बन जाते हैं, क्योंकि गाड़ी अभी गर्म नहीं है, अपने घर से गाड़ी से हम निकाली है, यहाँ पर आए लोकेशन पे। हाँ, तो चक्कर में आई थिंक कि नहीं बन पाए, बट अंकल जी मेरे हिसाब से इस वजह गाड़ी में पॉपकॉर्न नहीं बनने चाहिए। व्हाट आई फील, नहीं बनेंगे, कब बनेंगे भैया? जब जिस दिन गाड़ी मेरे पास आएगा, थोड़ी सी खुराफात की भाई बनेंगे नहीं बनेंगे, आई वाज वेरी वेरी कंफ्यूज। आई जस्ट नोटिस की गाड़ी की कितनी कम ग्राउंड क्लियरेंस है, मैं वहां बैठता हूं और यहां पे देखो ये एक उंगली भर की जगह है और डायरेक्टली वहीं पे बैठता हूं मैं। अभी आई जस्ट इमेजिनिंग कि अगर यहां पर हो टायर्स अपने 21 इंचेस के और साथ में जो व्हील्स हैं वो हो वॉशिंग के H3F या H5F, तो कितने ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी, मतलब पूरे गोल्डन कलर के अलावा इस विद द रेड लैम्बोर्गिनी।
एक बार डालता हूँ स्क्रीन पे फोटोज के साथ में, बिल्कुल आपको ताकि आइडिया मिल जाए कि इतने ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। बहुत अच्छे लगे। पापा मत अंकल बोलेंगे कि गाड़ी बढ़िया बन गई, मतलब गोल्डन कलर येलो वैसे ही आ गया, उतना से रेड वैसे ही है, तो पापा बोलेंगे मेरा बेटा सुधर गया, बहुत मानने लग गया। तो आई सॉ ब्लैक एंड जिसमें लगे हुए थे गोल्डन कलर के एलॉयज, जो कि लग रही थी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आई जस्ट इमेजिन कि अगर रेड पे गोल्डन होगा तो कितना बढ़िया हो जाएगी ना गाड़ी। बाकी अभी थोड़े दिन बाद मैं इसको करूँगा पूरा ट्यून, लाइक जो उसके नट्स को मैं कर दूँगा डाउन फोर्स के लिए अच्छे से नीचे, ताकि जो विंड है अच्छे से कटेगी और फिर जो गाड़ी के डायनेमिक्स होंगे वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अभी मतलब कि बनी हुई है रोड के हिसाब से, बट इसको मैं बना दूंगा बिल्कुल ट्रैक के हिसाब से। तो हम जल्दी थोड़ा सा भगा रहे गाड़ी को, और सा मेरे ट्राई कर लो। और अम्मा कहाँ से आ रही हो अभी? मैं बस अभी स्कूल से आ रही हूँ। बस अब लग जाओगे वाटर मेलन खाने के लिए अपने? हाँ वाटर मेलन पे मैं लग जाऊंगी। राइट, अब तो ऐसे में सर्दी आके आपको खाओगे? नहीं मैं सर्दी में भी खाऊंगी। भाई देखो जितनी हरी वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, हरी पॉपकॉर्न वगैरह वाली ये जस्ट होती है एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, इससे कोई ऑफेंड वगैरह मत हुआ करो, बिकॉज मुझे पता है कि भाई कितना ज़्यादा कार होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के लिए। एंड भाई इट्स नॉट लाइक कि मैं कार को कर रहा हूँ डिसरिस्पेक्ट। और अभी मैं जा रहा हूँ वैसे तो ब्लाइंड स्कूल, बिकॉज मेरे को देनी वेजिटेबल्स वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे जाता हूँ मैं हर हफ्ते, ऐसा आपको पता ही है। तो अभी चलता हूँ, बिकॉज लास्ट में दिवाली वाले दिन गया था तो उससे अभी तक नहीं गया हूँ मैं। क्या हो गया अंकल जी, उतार दो इसको एक बार। क्यों सब लोग देख रहे हैं अंकल आपको? जब भी आते हैं सब्जी मंडी में ना यहाँ पे दिक्कत आती है गाड़ी की, बिकॉज अभी वैसे एक रफ कार नहीं है, तो पापा बहुत दिनों से कह रहे हैं कि एक रफ कार लेनी है, बट अभी बट प्लान मिल नहीं रहा ना ही कोई टाइम मिल रहा है, और इसलिए हमेशा यूज कार परचेज करते हैं। बिकॉज द थिंग इज कि जब भी हम कोई नई कार परचेज करते हैं ना, तो हमारा रहता है माइंड भाई इसको सेल करो गाड़ी को, तो उसको हम करेंगे सेल गाड़ी को सपोज 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद लेकर के, तो उससे बहुत ज़्यादा होता है लॉस एज कम्पेयर टू द यूज कार। तो इफ वी बाय अ कार यूज कार जो कि होती है नई 30 लाख की, और अगर हमको उसी गाड़ी 20 लाख की मिलती है, तो उसको हम सेल करते हैं 5-6 महीने बाद, तो हमको गाड़ी आराम से जो है बिक जाएगी 2-3 लाख रुपए लॉस पे। और अगर हम नई गाड़ी लेते हैं 30 लाख की, उसको बेचते हैं 6 महीने बाद, तो आराम से जाएगी 20 लाख की, तो सीधा 10 लाख का लॉस हो जाएगा अगर आप सोच रहे हो। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, की अगर आपको वाली गाड़ी लॉन्ग टाइम तक रखनी है, तब तक उसको रखो और आप न्यू कार ले सकते हो। बट अगर कोई मेरे ऐसा बंदा हुआ तो भाई मैं तो ऐसा होता कि गाड़ी से बोर हो गया, इसको हटाओ नहीं लो, इसको हटाओ नहीं लो, तो ऐसा हूँ भाई मैं। बट लैम्बो तो भाई शुरू से मेरा ड्रीम था, तो लैम्बो इज गोइंग टू बी परमानेंट अंटिल अनलेस मैं हुरकन ले लूँ या उससे ज़्यादा एवेंटेड। और हेलो, हाँ भैया, भाई ये नंबर है इससे फ़ोन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अंकल? वो आई पी एम ने गाड़ी लीज पे ली है। अच्छा, और चलो मैं बात करता हूँ। तुमने तो दिए लीज पे भाई, गाड़ी भूल गए क्या? आई डोंट गेट दिस पॉइंट की भाई लोगों को क्या मतलब मिलता है, मजे मिलते हैं क्या अंकल जी किसी और से मजे लेने में? हाँ जी, स्टारबक्स में ना पूरे जो वाइब आ चुकी है क्रिसमस वाइब, पूरे जो मेन्यू भी पूरा हो चुका है रेड, और ग्लासेस पिंक हो चुके हैं रेड, और मैंने आज ड्रिंक भी क्रिसमस पर ही स्पेशल लिया है टॉफी नट क्रंच लाटे। अब ये हालत है मेरे बकलावा की, क्योंकि भाई कोई खा रहा नहीं इसको, मैं भी इसको खाना बंद कर दिया बिकॉज भाई मन भर गया मेरा खा खा के, और इसको मैंने ऐसे ही रख दिया। और ये जो मेरी रेड बुल है ऐसी पड़ी है, मैंने एक लेकर आया था तो अब ऐसी रख दी थी एक। अभी आई जस्ट परचेज GTA डेफिनेटिव एडिशन, जिसमें सन एंट्रियाज है, GTA 3A और वाइस सिटी मेरे को मिली है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रेजी। कैसा लगा आपको पूरा आज का व्लॉग मेरे को बताओ इस वाली वीडियो पे करके कमेंट, एंड इफ यू वांट मी टू मेक एनी स्पेसिफिक व्लॉग्स ऑन लैम्बोर्गिनी देन मेरे को बताओ इंस्टाग्राम पे करके DM, या यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड इफ यू आर सीइंग माय फेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको दिख रहा होगा लाल रंग का बटन, उसको जल्दी से दबाओ बिकॉज भाई उससे मिलती है बहुत ज्यादा मोटिवेशन नई नई व्लॉग्स बनाने की, एंड उसके हाथ में घंटा उसको टिंग कर देना। खत्म करता हूँ आज के व्लॉग यहीं पे, विद दैट सेड बाय एंड स्टे सेफ।